नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के रीवा परिसर में। अभी कुछ समय पूर्व यहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के द्वारा निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जा चुका है और अब से कुछ ही देर बाद विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों, विश्वविद्यालय से संबंधित आगामी वर्षों में संचालित होने वाले कोर्सों को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जाना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वतंत्र पत्रकार सचिन शर्मा सूर्या जी। आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं और विश्वविद्यालय को लेकर के कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज का। स्वागत है आपका। अभी कुछ समय पूर्व ही कुलपति महोदय के द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? अभी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे बड़ा पत्रकारिता संबंधित संस्थान है, तो इसका रीवा परिसर लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही छात्रों के लिए यह परिसर प्रारंभ होगा जी। इसी को लेके माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के माननीय कुलपति महोदय, सचिव महोदय, कुल सचिव महोदय आए हुए थे। उन्होंने निरीक्षण किया और विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी है वो मीडिया से रूबरू होना चाहते हैं और 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी रीवा परिसर में चालू होगी। और उसके अलावा तो रीवा के लोगों को निश्चित तौर से इस विश्वविद्यालय के रीवा में बनने से लाभ होगा और जो भी छात्र पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं, मैं बिल्कुल उनसे आग्रह करूंगा कि वो लोग रीवा के इस परिसर का लाभ उठाएं और यहाँ अपना प्रवेश लेके और पढ़ाई सुचारू रूप से जरूर करें। तो जो निरीक्षण कार्य हुआ यहाँ पर अभी कुलपति जी के द्वारा, कुल सचिव जी के द्वारा, संतुष्ट दिखे उससे? हाँ, उनका एक्चुअल में प्रारंभ होने के, विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के पूर्व जो भी यहाँ कमियाँ नज़र आईं, उन्होंने संबंधित विभाग को और संबंधित जो कॉन्ट्रेक्टर हैं उनको निर्देश दिया है कि वो जो अधूरा है काम उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए जिससे इस भवन का लोकार्पण हो सके और छात्राओं को उसका लाभ मिल सके। और एक चीज़, जैसे कि आप भी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, पूर्व में जो छात्र होते थे पत्रकारिता से संबंधित तो दूसरे बड़े शहरों की ओर रुख करते थे, अब रीवा परिसर का निर्माण पूर्ण हो चुका है लगभग और आगामी सत्र से यहाँ पर कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, तो ऐसे में जो पत्रकारिता से संबंधित छात्र हैं उनको एक विशेष उपहार मिल रहा है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे पत्रकारिता के भविष्य को लेकर के, रीवा में छात्रों के भविष्य को लेकर? निश्चित तौर से आपने बिल्कुल सही कहा कि यह रीवा ही नहीं विंध्य के लोगों का सौभाग्य है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का भवन रीवा में चालू हुआ है। अभी तक शिल्पी प्लाजा के किराए के भवन में संचालित था और इतना विशालकाय भव्य जो विश्वविद्यालय का भवन है उससे निश्चित तौर पे रीवा ही नहीं विंध्य के लोगों को उसका फायदा मिलेगा और यदि यहाँ के छात्र अच्छे से इसका फायदा ले सके तो ये उनका सौभाग्य होगा। बाकी बाहर के लोग तो अभी भी अध्ययनरत हैं, अपने रीवा में ही पढ़ रहे हैं बाहर से आके, तो यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि वो भी यहाँ एडमिशन लें और अपने क्षेत्र की जो विश्वविद्यालय का भवन या विश्वविद्यालय चालू हुआ है उसका फायदा लें, तभी ये माना जा सकता है कि इस भवन का सार्थक रूप रीवा में आने से हो पाएगा। बिल्कुल, आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार सचिन शर्मा सूर्या जी। अब आइए ले चलते हैं आपको आज आयोजित हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी उपस्थित हैं हमारे बीच में। हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी और जैसा कि माननीय कुलपति महोदय जी ने परिसरों के लिए एक मेंटर की नियुक्ति की है जिनके एक तरह से मार्गदर्शन में परिसरों का उन्नयन किया जाना है, ऐसे श्री मणिकंठन नायर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के प्रभारी श्री दीपेन सिंह जी बघेल हमारे बीच में उपस्थित हैं। मित्रों, आज हम सब ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब हम संक्रमण के बीच में हैं। आज हमारा अकादमिक वातावरण लगभग पंगु स्थिति में है और इस परिस्थिति में भी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी ने यह तय किया है कि हमारे जो काम अभी किसी कारणों से इन कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं, इनको गति देते हुए मूर्त रूप देकर जब हम इस परिवेश में आए कि ये कक्षाएं सुचारू रूप से चल जाएं, उस परिस्थिति तक हम सारी तैयारियां कर लें। आप सबको जानकारी है कि विश्वविद्यालय के रीवा परिसर विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी कल्पना और इस रीजन के लिए एक सौगात है। आज उसको एक अंतिम चरण के रूप में कहें, मूर्त रूप देने के लिए जो समीक्षा होनी थी उन सबका माननीय कुलपति जी ने एक समीक्षा कर मार्गदर्शन और निर्देश दिए हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय कुल सचिव जी से कि वो इस संबंध में कुछ संक्षिप्त बातें रखें। माननीय कुलपति कुल सचिव जी, धन्यवाद विजयन जी। माननीय कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश सर, हमारे अकादमिक मेंटर डॉक्टर मणि नायर जी, इस परिसर के प्रभारी दीपेन बघेल सिंह सर और हमारे अकादमिक समन्वयक रीवा के श्री डॉक्टर विजयन शुक्ला जी और मेरे सभी पत्रकार मित्र साथियों, यहाँ पर इस परिसर को लेकर हमारे माननीय कुलपति महोदय की चिंता शुरू से ही है। जब से कुलपति जी ने ज्वाइन किया तो आपका कहना ये था कि अभी तक हमारे जो भी परिसर रहे, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इसके अलावा एक नोएडा परिसर था जो हमने बंद कर दिया है, रीवा है और खंडवा है और दतिया, तो उसको लेके मतलब एक ये था कि बस चल रहे हैं। मुझे कहने में उसमें कोई संकोच नहीं है कि माननीय कुलपति महोदय के आने के पूर्व ये था कि सिर्फ ठीक है, हमको एक हमने परिसर चालू कर दिया और चल रहे हैं। कुलपति जी जब से आए पिछले सितंबर में, तो सर का सबसे पहला ये कहना था कि मैं इन परिसरों को वैसे ही चलाना चाहता हूँ जैसे हमारा मुख्यालय भोपाल परिसर है और हम इसको उस तरीके से ही खड़ा करेंगे जैसे हमारे बाकी परिसर भी होना चाहिए। अगर हमें चलाना है तो पूरा अच्छे से चलाना है और नहीं चलाना तो फिर बात अलग है। तो उसको लेके कुलपति जी की चिंता शुरुआत से ही दृष्टिगत हो रही थी। कुलपति जी ने जैसे ही चार्ज लिया तुरंत अगले महीने ही आप यहाँ पर विजिट में आए, क्योंकि परिसर हमारा बन रहा था। सर ने बहुत रिग्रस उसमें दो तीन दिन दिए और एक एक चीज़ बारीकी से समझी और यहाँ पर यहाँ के इंजीनियर्स के साथ में, यहाँ के अधिकारियों के साथ में, इसके अलावा भोपाल गए तो भोपाल में हाउसिंग बोर्ड के साथ में मिलकर और जहाँ पर भी जिस स्तर पर हो सकती थी, कई बार चीफ सेक्रेटरी लेवल से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर अगर आवश्यकता पड़ी तो सर ने उनके साथ बैठक करके ये बोला कि हमें जल्दी से जल्दी, आप लोगों को इससे अवगत होंगे कि अगर पिछले एक साल का आप या नौ महीने का देखेंगे तो आपको यहाँ पर तेजी से काम होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उसमें चार महीने कोरोना काल के भी गए जिसमें कि काम पूरी तरीके से बंद पड़ा था। तो कुलपति जी की चिंता शुरू से थी कि नहीं, हमें परिसर जल्दी से जल्दी मिले, हम नए कोर्सेज, कुलपति जी अभी खुद आपको अनाउंस करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से नए कोर्सेज की परिकल्पना आपने की, यहाँ पर हम कौन से नए कोर्स, और सरकार ये भी था कि यहाँ पर जो हम कोर्स चलाएंगे वो फिर कहीं और नहीं, एक्सक्लूसिव यहीं होगा अगर यहाँ पर आना है विद्यार्थी। अभी तक मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बघेल साहब भी यहाँ पुराने हैं, हम ये होता था कि साहब इसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा तो अच्छा रीवा ले लो, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा खंडवा ले लो। सर ने बोला ऐसा नहीं, पहली चॉइस उसकी रीवा होना चाहिए और इसे हमें इसके लिए प्रयास करना होगा कि वो बच्चा मांगे कि हमें रीवा जाना है, हमें खंडवा जाना है। तो उस और हम लोगों ने फिर काम चालू किया माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में और हम लोग काफ़ी इसमें आगे भी बढ़े। उसी का एक परिणाम है कि जैसे अकादमिक मेंटर की नियुक्ति है या अलग अलग, अभी सर ने आज ही घोषणा की है कि हमारे जो इंजीनियर हैं मुकेश जी वो यहाँ पर अब रहेंगे और जब तक हमें हैंडओवर नहीं हुई जब तक रहेंगे। तो अभी विस्तृत में सर आपको बताएंगे आपके जो प्रश्न होंगे उनके बारे में, लेकिन एक ब्रीफ ये है कि सर की इस परिसर को लेकर बहुत चिंता है। सर का कहना है कि ये परिसर हम उसी तरीके से चलाएंगे जैसे हमारा मुख्यालय
भोपाल का परिसर चल रहा है, या उसको हम उस तरीके से और भी आगे दिनों दिन प्रगति कैसे हो सकती है, और इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग चाहिए होगा। सर हमेशा आप लोगों से भी पिछली बार भी जब मिले थे मुझे मालूम है कि शायद कुछ लोग आप थे शायद, और तो सर ने हमेशा कहा कि ये कोलेब्रेशन वाली बात है, आप लोग हमें किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, हम आपकी मदद कैसे ले सकते हैं, उसको लेके हम एक आगे काम करेंगे। तो मैं इस अवसर पर आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें उसी तरीके से हमें सहयोग दें और परिसर को हम लोग आगे कैसे ले जाएंगे। और अभी आप विस्तृत में माननीय कुलपति जी को सुनेंगे। विजयन जी, थैंक यू। धन्यवाद कुलसचिव महोदय। मैं आग्रह करूँगा माननीय कुलपति महोदय से एक संक्षिप्त अपनी बात रख करके फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल जवाब के बाद हम लोग एक बार साथ में परिसर भ्रमण भी आप सबके साथ करेंगे, ताकि आप लोग यहाँ के हुए विकास कार्यों और सारी चीज़ों को जो योजनाएं हैं उनको एक बार अपने आँखों से भलीभांति से देख लें। मैं माननीय कुलपति महोदय जी से आग्रह करूँगा। धन्यवाद। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, इस परिसर के प्रभारी श्री दीपेंद्र बघेल जी, परिसर के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर समन्वयक डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला जी, हमारे सभी परिसरों के एकेडमिक मेंटर या मार्गदर्शक डॉक्टर मनी नायर जी। हमारे यहाँ मैं एकाध परिचय और देना चाहूँगा। उपयंत्री हमारे कहाँ हैं, हाँ वो भी यहाँ बैठे हुए थे, बुलवा लीजिएगा उनको, है ना। हाँ, और यहाँ हमारे रवि साहू जी हमारे यहाँ संकाय सदस्य हैं, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, और पत्रकार बंधु। ये मैं प्रेस वार्ता की तरह नहीं देख रहा हूँ, मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ 3 दशक से ऊपर से मैं पत्रकार रहा हूँ। मैं प्रशासक तो जब भारतीय जनसंचार संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का DG बना, तब से लेकर मैं प्रशासक के रूप में हूँ, लेकिन मैं मूलतः पत्रकार हूँ। मैं PTI, जी, एशियानेट और दूरदर्शन के संपादक के नाते मैंने कार्य किया है, तो उप संपादक से लेकर ट्रेनी से लेकर संपादक तक की यात्रा जो की है, तो एक जीवन पर्यंत मैं पत्रकार ही हूँ। और ये लगभग जब से नोएडा परिसर शुरू हुआ तब से लेकर वहाँ एक संकाय के नाते भी मैं कार्य करता रहा हूँ अपने पत्रकारिता के साथ साथ। तो जहाँ भी जाता हूँ मैं प्रयास करता हूँ कि अपने पत्रकार बंधुओं से एक स्नेह मिलन हो जाए, अच्छा लगता है, थोड़ा अनुभव भी सुनने को मिलता है, आपके कुछ विचार, क्योंकि आपकी अपनी संस्था है। हम तो 3-4 साल जब तक जिम्मेदारी है तब तक रहेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे, लेकिन आप लोगों के ही मार्गदर्शन में सहयोग से इस परिसर को चलना है, तो ये आपकी संस्था है, इसलिए मैं अपने संस्था में आपका स्वागत नहीं कर रहा हूँ, आपके संस्था में आपको स्वागत कर रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आया था, पहली बार सितंबर 16 तारीख को मैंने कार्यभार संभाला था कुलपति का, और पहले ही महीने अक्टूबर में 18 अक्टूबर को मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने सभी परिसरों का मुआयना किया था, और इस परिसर में आके देखा तो बहुत कुछ काम, बीच में एक दौर आया जहाँ इस परिसर को बंद करने का और इस परिसर के सारे खर्चे कम करने का एक फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में ये परिसर को विकास करना है, इसको उसके जो स्थान हैं उस उच्च स्थान पर हमको पुनर्स्थापित करना है, ये निर्णय लिया गया उच्चतम स्तर पर। और हमने ये फैसला किया कि इसको, इसका जो काफ़ी फंड इसका रोक दिए गए थे या काट दिए गए थे, उसको हमने रिस्टोर कर दिया, और यहाँ कई योजनाएं बंद कर दी गई थी, ऑडिटोरियम को, सभागार को बिल्कुल ही छोटा करने का, और भी कई फैसले लिए गए थे, तो हमने उस सबको एक तरह से देखा जाए तो हमने उसका पुनरावलोकन किया, और रिव्यू करने के बाद हमने उस सबको रिस्टोर कर दिया पुराने जितने भी। तो जो कुछ फैसले पहले लिए गए थे उसी के अनुरूप अब ये तैयार हो रहा है। इस बीच में ये कोरोना का एक काल आ गया, कालखंड, जिसके चलते काफ़ी काम रुक गया, मजदूर उपलब्ध नहीं थे, कई और चीज़ें आई, लेकिन हम लगातार इसका फंडिंग को लगाते रहे, और इसी के कारण
जब मैं पहले आया था तो इसमें बहुत कुछ काम बाकी था, लेकिन पिछले लगभग 8-9 महीने में अब आप देख ही रहे हैं कि अच्छे कॉन्फ्रेंस हॉल, कमरे, अब हम साथ में भी चलेंगे। तो मैंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि पिछली बार जब वो मिले थे अपने कार्यालय में मिले थे, आप में से कुछ लोग थे उसमें, लेकिन इस बार मैंने कहा कि इस बार हम उनको परिसर में, क्योंकि उनका परिसर है तो उसमें आपको बुलाएंगे, यहीं हम लोग साथ में चाय पियेंगे और यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच में एक दो बातें और रही है। मैंने हमेशा माना है, जैसे कुल सचिव जी ने बताया, कि ये जो हमारे परिसर है, चाहे यहाँ हो, खंडवा हो या दतिया हो, इसको अक्सर एक पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखा जाता है। अगर आपको किसी को सज़ा देनी है, भोपाल में कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है, भेजो रीवा उसको, है काला पानी। अब ये काला पानी नहीं होगा, इसका माहौल हम ऐसे बनाएंगे कि लोग पहले कहेंगे कि हमको रीवा जाना है, वो सबसे बेस्ट करना है। IMC में भी मैंने यही किए, कई परिसर मैंने IMC में खड़े किए, केरल में, मिज़ोरम में, जम्मू में। तो यहाँ आने के बाद भी मेरी प्राथमिकता की यहाँ परिसर की अपनी एक पहचान बने। ये परिसर भोपाल का एक नकल नहीं होना चाहिए कि भाई भोपाल में दो कोर्स चला रहे हैं तो वो हम यहाँ भी चलाएंगे, ऐसा नहीं। हमने पूरे कोरोना काल में इंटीग्रेटेड न्यूज़ रूम का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिससे रीवा के विद्यार्थियों को भी भोपाल के समकक्ष ऑनलाइन क्लासेस मिलते थे। तो कई क्लासेस भोपाल, रीवा, नोएडा, खंडवा, ये सभी परिसर के बच्चे एक साथ अध्ययन करते थे। तो कहीं उनको ये नहीं लगता था कि अच्छा भोपाल में तो बेहतर टीचर्स हैं, यहाँ उतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं, ये सब कोई भावना नहीं होती थी। सबको एक जैसा हमने माहौल प्रदान किया। हमने कहा कि इसका अपना एक, ताकि क्योंकि दादा के नाम पर है ये विश्वविद्यालय, तो दादा का तो होना चाहिए प्रतिमा, तो इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ अभी तो ये, जैसे मैंने कहा कि क्लासरूम तैयार हो रहे हैं, ऑफिस रूम्स तैयार हो गए हैं, स्टूडियो का इक्विपमेंट का लिस्ट बन गया है, हमारे कल टेक्निकल व्यक्ति आ गए थे। अब यहाँ फर्नीचर, वो फर्नीचर का भी टेंडर हो गया है, वो फर्नीचर तो वो तो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। कुछ हमारे नोएडा परिसर के जो नोएडा परिसर, अब हमने किसी वैधानिक कारणों से उसको हमने बंद कर दिया है, तो वहाँ भी काफ़ी इक्विपमेंट है, तो हमें फ्रेश खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, नए नए इक्विपमेंट है वहाँ, उसको भी हम यहाँ लाएंगे। और यही नहीं, यहाँ कैंटीन भी तैयार हो जाएगा और एक प्ले ग्राउंड, ताकि हमारे युवा पीढ़ी अपने ऊर्जा जो है, क्लासरूम में तो है ही है लेकिन बाद में कुछ खेलकूद भी कर पाए, तो उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। सभागार एक विषय है जिसके कारण ये थोड़ा उद्घाटन डिले हो रहा है। अगर सभागार का विषय नहीं होता तो हम आपको अगस्त में अंत तक तो हम यहाँ इसका विधिवत उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन इच्छा है हमारी कि जो भी व्यक्ति आएंगे, अब मुझे तो पता नहीं कौन आखिरकार आएगा, लेकिन जो भी आएंगे, वो जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हैं, वो हमारे सभागार में हो, बाहर तंबू लगाने की आवश्यकता ना पड़े, ये हमारी एक दिल की इच्छा है। और इस कारण उसका थोड़ा सा विलंब हो रहा है कि सभागार के, तो सभागार साथ में होता एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वरना वो लटका रहेगा, एक हिस्सा में काम चल रहा है, बच्चों का भी क्लास में जो है, क्योंकि वो काम चलेगा तो आवाज़ होगा बच्चों का जो है। इसके साथ साथ हम अगले 6 महीने साल भर में हम लोग ये जो गेस्ट हाउस और डॉर्मेटरी, ये यहाँ बन रहा है इस बिल्डिंग पे, तो गेस्ट हाउस इसलिए क्योंकि जो बाहर से जो अध्यापक आएंगे, जो विशिष्ट अतिथि आएंगे बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए, तो उनको रहने का व्यवस्था हो जाएगी, हमको होटलों में खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद का जो सेकेंड फेज़ में जो हमारी प्लानिंग है, वो है कि जो हॉस्टल के कमरे बने, ताकि बाहर से, अभी फ़िलहाल हम स्थानीय व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चे आएंगे, खासकर जो बच्चियां आएंगी उनके लिए, छात्राओं के लिए विशेषकर एक सुरक्षित जगह में हम लोग एक निजी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन साल दो साल के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि हॉस्टल्स भी बन जाएंगे, तो ये कम